हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है आप सबके होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ये जो मैं आप लोगों को आज इतनी तैयार दिख रही हूँ एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करी है होपफुली ये वाले व्लॉग से पहले मैं उसको पोस्ट कर दूंगी वन ऑन वन बैठ के कुछ डिस्कशन की है कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया आप लोगों को आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप उस वीडियो को प्यार देंगे खैर प्यार तो मुझे मेरी वीडियो में मिल ही नहीं रहा है भाई पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग अः वीडियोज व्यूज ही नहीं आ रहे हैं इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ रॉगिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होती है यार मैं कैमरा मैन भी अपनी खुद ही हूं और शूट भी खुद ही करती हूं मैं रिकॉर्ड भी खुद ही करती हूँ मैं वॉइस ओवर भी खुद ही करती हूँ देन अगेन एडिट भी खुद ही करती हूँ सो इट्स अ टफ जॉब लेकिन व्यूज ही नहीं मेरे आ रहे हैं खैर कोई बात नहीं मेहनत में अजमत है मैं मेहनत करती रहूंगी कभी ना कभी तो ये चैनल चलेगा खैर अः खूब तैयार शयार होके मैंने वीडियो तो बना ली मगर अब शाम के साढ़े पांच हो चुके हैं और खाने का कोई नामो निशान नहीं है और साढ़े छः तक हस्बैंड आ जाते हैं सिर्फ एक घंटा है उस समय ने खाना बनाना है तो समझ नहीं आ रहा है कि खाने को कैसे बनाएं क्या करें नहीं आ रहा है यार कि क्या बनाऊं बिल्कुल भी बोनलेस चिकन मैंने निकाल के रख दी थी, थी वो है रखी हुई है सोच रही हूँ कुछ उसका बना लेते हैं देखते हैं क्या बनाते हैं फिलहाल ये भी सोच रही हूँ कि ज़रा थोड़ा चेंज कर लूँ अपना गेटअप और थोड़ा हुलिया अपना घर वाला कर लूँ इंसानों वाला फिर ये सोच रही हूँ कि हस्बैंड तैयार हो ही गई हूँ तो हस्बैंड आए तो उन्हें भी दिखाई दू तो so, चले फिलहाल देखते हैं कि क्या करना है और खाने का डिसाइड करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ जितना टाइम मैंने मेन्यू डिसाइड करने में लगाया उतनी देर में हस्बैंड भी आए गए खैर उनसे बातचीत करके फिर मैं आ गई किचन में डायरेक्ट मैंने सोचा चलें आज थोड़ा तो डिफरेंट करते हैं सैंडविचेस बना लेते हैं टिक्का सैंडविचेज़ बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी बोनलेस चिकन तो मैंने निकाल के रखी हुई थी बस उसको मैंने ज्यूवलिन साइज में काट लिया था और उसमें अपने हिसाब से जो मुझे मसाले डालने थे वो मैंने डाल दिए थे अच्छा इसको ना मैं बेक नहीं करूँगी अगर बहुत जूसी से मज़ेदार से सैंडविचेस बनाने हैं जिसमें चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे उसके लिए ये है कि आप किसी पैन में चिकन को बनाएं तो वो जब अपने जूसेस में ही बनती है ना तो वो बड़ी जूसी सी बनती है और मैंने इसके अंदर बस जिंजर गार्लिक पेस्ट जो बहुत ज़्यादा गीला ना हो पानी ना मिला हुआ उस में और साथ में मैंने शान का तंदूरी टिक्का मसाला डाल दिया था और इसमें मैंने एक चुटकी काली मिर्च एक चुटकी नमक और एक ही चुटकी मैंने इसके अंदर डाली था चाट का मसाला बस ऐसे ही जो समझ में आया डाला और उसको मैरिनेट करके रख दिया मेन्यू तो डिसाइड हो गया है मैं टिक्का सैंडविचेस बना रही हूं लेकिन यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि मैं ड्रेस अपना गंदा कर लूंगी खाना बनाते हुए भाई मुझे नहीं आदत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खाना बनाने की मुझे लेकिन मुझे ये आदत डालनी है और ये एक अच्छी आदत है आपको तैयार रहना चाहिए घर में हर वक्त और ये मैंने अपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी बनाया था कि मैं रोज तैयार हुआ करूंगी उठ के लेकिन पता नहीं यार कहाँ रह गया वो रेजोल्यूशन लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि तैयार रहना चाहिए या नहीं और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट भी कीजिएगा ताकि मैं रोज सुबह उठ के तैयार हो सकूँ आप लोगों की मोटिवेशन मेरे बहुत काम आएगी फिलहाल मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए और फिर उसके बाद आके बाकी काम करूंगी बैक टू माई घर के कपड़े और ये मैंने हैंग कर दिया है ये कल जुम्मा है तो कल पहन लेंगे फिलहाल चलते हैं और बाकी का काम करते हैं कटिंग वगैरह कर लेते हैं सब्जियों वगैरह की चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है ब्रेड वगैरह निकाल के बाहर रख देते हैं फ्रिज से ताकि वो ज़रा रूम टेम्परेचर पे हो जाए और बाकी सैंडविचेस बना लेंगे चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया बाकी मुझे चाहिए एग्स ऑमलेट बनाऊंगी, खीरा चाहिए कैबेज चाहिए और मुझे चाहिए ये ब्रेड ये जो ब्रेड है ना ये सैंडविचेस के लिए बहुत अच्छी होती है थोड़े थिक इसके स्लाइसेस होते हैं तो परफेक्ट होती है सैंडविच के लिए तो इसको हम यूज़ करेंगे सॉसेस तो बहुत सारे घर में हैं ऑलरेडी तो चलें बनाते हैं आप हस्बैंड को भूख लग रही है जल्दी जल्दी से बना के सब चीज़ें और ये जो फ्राइज़ हैं ये मैं एयर फ्रायर में बना लूंगी तो फ्राइज़ सैंडविचेस और कोक घर पे रखिए तो वो बना लेंगे हमारी पार्टी हो जाएगी चिकन मेरी यहाँ पे हो रही है बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के मैंने चिकन इसके अंदर डाल दी अब ये मज़े से बन जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी और थोड़ी मसालेदार सी भी होगी तो ये यहाँ चिकन हो रही है अंडा यहाँ पे फिट रहा है लाइक एक एक अंडा करके मैं फेटूंगी ताकि मुझे हिसाब पता हो कि मैंने एक सैंडविच में एक पूरा ऑमलेट रखना है बाकी ये कैबिज और ये तो कट जाएगा और अब मैं फ्राइज रख रही हूँ अपने एयर फ्रायर में सैंडविच इसके लिए सॉस बना रही हूँ मैं इसमें मैंने डाला है ये बर्गर सॉस थोड़ा सा और मैंने डाला है चिली एंड गार्लिक सॉस बहुत सारी सी मायूनीस और कैचअप ये सब कुछ डाल के अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और हमारा स्प्रेड रेडी हो जाएगा बस फिर सिर्फ इसी स्प्रेड को लगा के स्लाइसिस के ऊपर अपनी बाकी चीज़ें रख देंगे सैंडविचेस की असम्बलिंग तो मैं कर ही रही हूँ साथ साथ कुछ आप लोगों से बात भी कर लेते हैं जैसे अभी वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों से बताया था कि मुझे बहुत शौक है कि मैं रोज सुबह तैयार होके अपने घर के काम करूं तैयार मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सच धवर के बैठ जाएं लाइक अच्छा नहा धो के आप थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर करने के बाद अपने आप को थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल बनाएं और फिर घर के काम वाम करें और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है ये करना भी चाहिए सबको लेकिन पता नहीं क्या है ना मुझसे नहीं होता है मैं सुबह उठ के जो अपने घर के कामों में लगती हूँ और अपने दूसरे कामों में लगती हूँ तो फिर जब शाम में कभी नहाने का मौका मिल जाए तो मैं नहा लेती हूँ या अगर नहा भी लू तो नहाने के बाद भी मैं वही घर के अपने कपड़ों में आ जाती हूँ बट ऐसी बहुत सारी खातिन और लड़कियां हैं जो सुबह उठती हैं फ्रेशन अप होती हैं तैयार होती हैं और उनके जो घर के कपड़े होते हैं ना वो भी बड़े अच्छे से उन्होंने पूरा अपना एक कलेक्शन बनाया हुआ होता है मेरा तो उल्टा सीन है ना जब कोई कपड़ा बहुत ज्यादा बाहर पहन लिया तो उसे बस घर का बना दो और उसके बाद उसको पोछा बना दो वही हमारे जो घरों की देसी अप्रोच होती है लेकिन खैर अच्छी बात है तैयार रहना चाहिए मेरे मैं भी कोशिश करूंगी इस वीडियो में मुझे भी एक रिमाइंडर मिला है और ये रिमाइंडर मैं आप सबको भी देती हूँ कि तैयार रहें प्रेजेंटेबल रहें अपने आप के लिए अपने आप को अच्छा फील होता है कभी कभी तैयार हो भी जाओ ना तो खुद को बड़ा अच्छा फील होता है और ऐसा ऐसा मुझे भी आदत डालनी है कि मैं थोड़े थोड़े बहुत प्रेजेंटेबल कपड़ों में घर के काम वाम करना शुरू करूँ ये नहीं है कि बिल्कुल घिसे पीटे कपड़ों में ही घर के काम होंगे और बस वैसे ही अब घर के काम तो करने ही है ना अब उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे तो इसलिए अच्छा खैर आप बैक टू कुकिंग ये देखिए ये जो सैंडविचेस है ना मैंने जो इसमें सेलेड रखा है यानी कि जो खीरा रखा है वो बहुत पतला पतला काटा है जब भी आप सैंडविचेस इस तरह के बनाएं वो भी डबल डेकर तो आप कोशिश करें कि आप उसमें जो भी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं अगर टोमेटोज हैं तो वो भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे टोमेटो पसंद नहीं है तो मैंने वो नहीं डाले वो बहुत पतले रखें और मैंने इसमें चीज़ डाली चिकन डाली एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैंने एग के साथ सारी सब्जियां रख दी यानी कि खीरा और लेटस और बस उसको फिर हल्का हल्का ना बहुत हल्के हाथ से बगैर प्रेशर दिए उसको प्रेस करा मैंने ताकि सब एकदम बाइंड हो जाए और अब मैं इसको हल्का सा ग्रिल कर लूंगी सेक लूंगी अगर आपके पास सैंडविच मेकर या ग्रिलर है तो फिर तो और ही अच्छी बात है लेकिन मैंने तो भाई अपने तवे से काम चलाया तवा को अच्छा खासा मैंने हीट करके और फिर उसके ऊपर ये सैंडविचेस रख दिए जब ये गर्म हो जाएंगे तो आप इसे आराम से काट लें मैंने इसी तवे पे ही काट लिया था जरूरी नहीं आप इस पे काटें हाथ भी जल सकता है बस इसको आराम से बहुत हल्के हाथ से कट करना होता है ताकि सारी चीजें जो है वो हमारी बाहर ना निकलें और देखें कितना यमी सा सैंडविच रेडी है कैसा बताओ ना कैसा तबीयत में होता है ना क्या रहे होता है अच्छा बस अब एक्टिंग नहीं खा, है कैसा कितना मजेगा बहुत मजेगा बहुत मजेगा कितने बहुत मजेगा वो अब मजेगा बाढ़ जैसा है बाहर से तो अच्छा है बाहर से तो अच्छा है तो आपकी शेफ जो है वो अच्छी कुक है अच्छी oh, sorry, अच्छी <laughs> <laughs> अच्छी शेफ सॉरी आपकी वाइफ अच्छी अच्छी कुक शेफ आपकी वाइफ हाँ ऐसे ही एक दूसरे के वर्ड्स पकड़ पकड़ के हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं और टाइम पास करते हैं खैर व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी क्लोजअप से देखिए कितने मजे का ये तिका सैंडविच बना था आप इसे क्लब सैंडविच भी बोल सकते हैं बहुत ही और बहुत डिलीशियस था आप लोग ट्राई कीजिएगा बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आएगा इन कल मिलूंगी आप लोगों से नए व्लॉग के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज